नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय जगताप। आप देख रहे हो विजय जगताप अंडरस्कोर वीडियोस। आइए वीडियो देखें। देवी और सज्जनों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम देशभक्ति की भावना और अपने मातृभूमि के लिए प्यार की यात्रा शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम गर्व से प्रस्तुत करते हैं भगवान मेरी जान, देशभक्ति के रंगों का अनावरण। भगवा रंग हर भारतीय के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह हमारे महान राष्ट्र के साहस, बलिदान और अटूट भावना का प्रतीक है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य भगवा के महत्व और सुंदरता का पता लगाना है, और यह कैसे हमारे देशभक्त आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, तो हम इसे खंडों में देखेंगे। तो पहला खंड है भगवा एक कालातीत प्रतीत। भगवा अक्सर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। भारत की विविध विरासत के सार का प्रतिनिधित्व करने के लिए धार्मिक सीमाओं को पार करता है। इसका जीवंत रंग हमारी सांस्कृति के समृद्ध चित्रपट को दर्शाता है, जो विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम भगवा के महत्व पर विचार करते हैं, हम पाते हैं कि यह उन गुणों का प्रतीक है जो हमारे राष्ट्र को ऊंचा खड़ा करते हैं। यह निडरता, शक्ति और भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। दोस्तों, खंड दूसरा, इतिहास में भगवा। पूरे इतिहास में भगवा हमारे राष्ट्र की जीत और संघर्षों का साक्षी रहा है। दोस्तों, इसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के झंडों को सुशोभित किया है। उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना को प्रज्वलित किया है। भगवा रंग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आशा की किरण बन गया है, जिसने अनगिनत व्यक्तियों को हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। यह भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य जैसे क्रांतिकारियों की अमर भावना का प्रतीक है, प्रतीक किया है। खंड तीसरा, आधुनिक भारत में भगवा। आज हमारे समाज के ताने बाने में भगवा का बहुत महत्व है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। भगवा रंग हमारे बहादुर सैनिकों की याद दिलाता है, जो निडर होकर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह उनके बलिदानों के लिए गर्व है और कृतज्ञता की भावना पैदा करता है। खंड चार, भगवा और देशभक्ति। भगवा का हमारी देशभक्ति की भावना से गहरा संबंध है।
यह हमें एक के रूप में एकजुट करता है और क्षेत्रीय सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों को पार करता है। दोस्तों, जब हम भगवा ध्वज को ऊंचा लहराते देखते हैं या इसे गर्व से अपनी छाती पर धारण करते हैं तो यह हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना से भर देता है। यह हमें उन मूल्यों की याद दिलाता है जो हमें प्रिय और भारत के भविष्य को आकार देने में हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। आइए निष्कर्ष देखें। जैसा कि हम भगवा के महत्व के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम देशभक्ति के उन रंगों को संजोए जो हमारी रंगों में दौड़ते हैं। भगवा की भावना हमें एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भारत की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, याद रखें, भगवा मेरी जान केवल एक मुहावरा नहीं है, यह हमारे सामूहिक प्रेम और हमारे राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। आइए हम भगवा रंग का सम्मान और सम्मान करें, क्योंकि यह भारत की शक्ति, विविधता और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस देशभक्ति यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, भगवा मेरी जान इस मनोरम खोज में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके भीतर देशभक्ति की एक नई भावना जगाई है, हमें उन सभी मूल्यों की याद दिलाती है जो हमारे देश को महान बनाते हैं। आइए हम अपने दिलों में भगवा की भावना को लेकर चले और समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो भगवा मेरी जान पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारी इस YouTube चैनल विजय जगताप अंडरस्कोर वीडियोस को शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।